तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और बीजेपी जो यहां पर समझ रही थी कि वो सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनी है, लेकिन महाराष्ट्र में जिला परिषद और यहां पर जो चुनाव किए गए हैं उसको लेकर बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में चुनावी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनमें से 6 में से 5 जिलों में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये खबर बीजेपी को चिंता में डाल सकती है आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही थी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है। और नागपुर में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नागपुर में 54 जिला परिषद सीटों में से कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनी है, ये बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। कांग्रेस 30 तो यहां पर एनसीपी 10, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट गई इन 54 सीटों में से। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी की गृह क्षेत्र यहां पर धापेवाड़ा में भाजपा की करारी हार हुई है, और बता दें कि नागपुर में इस बार शिवसेना और भाजपा अलग अलग होकर चुनाव लड़ी है, तो कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। और क्या यहां पर अन्य सीटों के लिए रिजल्ट, वो भी आपके सामने है कि यहां पर अगर बात करें तो 6 जिलों के लिए जो यहां पर रिजल्ट है उनमें से 5 जिलों में बीजेपी की हार हुई है। धुले यहां पर परिषद के लिए बीजेपी को सिर्फ जीत मिली है, बाकी सभी जिलों में बीजेपी को हार हुई है, जिसमें सबसे यहां पर उलटफेर हुआ है नागपुर में, जहां पर भाजपा 15 तो कांग्रेस को यहां पर 30 सीट मिली है, एक तरफा जीत यहां पर हो गई, और शिवसेना 1 तो यहां पर एनसीपी 10 सीटों पर और अन्य खाते में 2 सीट गई। धुले की अगर बात करिए बीजेपी के पक्ष में रहा जिला, यहां से 39 सीटें बीजेपी ने हासिल की, शिवसेना 4 तो कांग्रेस 7, यहां पर एनसीपी 3 और अन्य खाते में 3। नंदुरबार की 56 सीटों की आंकड़े दिखाए तो भाजपा 23 तो शिवसेना 7, तो 23 बार ही कांग्रेस ने यहां पर कड़ी टक्कर दी, यहां पर एनसीपी 3 और अन्य खाते में 0 सीट। यहां पर पालघर की बात करें 57 सीटों के लिए तो भाजपा सिर्फ 12 सीटें, शिवसेना 18 सीटें और कांग्रेस 1, और यहां पर एनसीपी 14 सीट और अन्य खाते में 12 सीटें यहां पर गई। या भाजपा 7 तो शिवसेना भी 7, कांग्रेस यहां पर 9 तो एनसीपी 10 सीटें, अन्य खाते में 19 सीटें यहां से गई। अकोला की यहां पर बात करें तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में, तो शिवसेना 11 सीटों पर जीती, कांग्रेस 5 और एनसीपी 3 और अन्य खाते में 27 सीटें यहां से गई। तो ये महाराष्ट्र के लिए जो यहां पर निकाय चुनाव किए गए हैं उनके रिजल्ट यहां पर सामने आ रहे हैं, बड़ा उलटफेर इन निकाय चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी इन 6 जिलों में से सिर्फ 1 ही जिला हासिल कर पाई, बाकी 5 जिलों में बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो ये खबर यहां पर बीजेपी को चिंता में डाल सकती है, क्योंकि आने वाले चुनाव भी बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, जो कि दिल्ली का चुनाव है, इसके बाद बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो आपको क्या लगता है इन राज्यों में क्या बीजेपी यहां पर जीत पाएगी या नहीं, या अन्य जो दल है उनकी सरकार बनेगी, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।